जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने हमें जो है कम से कम बोलने का मौका तो दी, क्योंकि नेशनल मीडिया कभी हमें जो है तवज्जो नहीं देते हैं। आपकी जैसे हमारे जो लोग जो है हमें जो हमें बोलने का मौका दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है, क्या इसके मन में पार्टी का कि ये क्या करना चाहती है? राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जो नीचे तबके के लोग और जो दबे कुचले, जो बीजेपी ने जो देश को जो बर्बाद करके रखे हुए हैं, उनकी एक विकल्प है। सर, ये जो दबे कुचले की बात करते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं जब सत्ता में आती है, सब ये कहती हैं कि हम दबे कुचले लोगों के लिए काम करेंगे, हम दलितों के लिए काम करेंगे, बहुजन के लिए काम करेंगे, फिर वो अपने मैनोफेस्टो से हट जाते हैं, अपने वायदे से हट जाते हैं। अब एक बार आजमा के तो देखिए हम और उनमें क्या फ़र्क है। हम बीजेपी की तरह जो जुमला नहीं दिखाने वाले हैं। हमारे जो जितनी पार्टी के जो जो सीनियर लीडर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत उन्होंने समाज की जो है सोसाइटी में जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो उन्होंने समाज के लिए काम किए हुए लोग हैं। हम बिल्कुल तबके हुए नहीं हैं, नेता तबके हुए नहीं। हमें नेता बनना पड़ रहा, हमें लोगों को लीड करना पड़ रहा, क्योंकि हमारे जो पहले के पुराने लोग जो है उन्होंने हमारे लिए कोई कुछ किया नहीं है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो हमें जो है मजबूरन जो है हमें देश की इसके लिए जो है काम करना जरूरी। जब राजेंद्र सिंह जी आप नॉर्थ ईस्ट को देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसी क्या परेशानी है जिनका आप वहाँ के लोग सामना कर रहे हैं? यस, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आपने हमें पूछा। हमारी पहले जो जितनी जो हमारे जो नेशनल पार्टी रही हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, कांग्रेस ने तो उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के अंगूठे काट करके सिर्फ वोटिंग मशीन, वोट लगाने के सिर्फ मात्र जो है वोटिंग करने के लिए इस्तेमाल किए हुए थे। उसके बाद ये एक समय आ गई, बीजेपी ने उसको टेक ओवर कर ली। बीजेपी ने ऐसे टेक ओवर करने के बाद जो लोगों की नस्ल तक बदल दी। जो उत्तर पूर्वी भारत जो है, भारत की जो डेमोग्राफी है इसकी साथ मिलता जुलता नहीं है, बहुत अलग डेमोग्राफी, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन, हवा पानी जो है बहुत फ़र्क है। उत्तर पूर्वी भारत 80-90% जो है मैक्सिमम जो है SC ST और जो नीचे की जो नीचे तबके के लोग जो रहते हैं, इसमें जो समस्या जो है मेन स्ट्रीम दिल्ली कभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कभी तवज्जो दिया नहीं है। तो हमने कोशिश की कि जो दिल्ली ने जो इस्तेमाल किए हैं सिर्फ मात्र वोट के लिए किए हैं, उसके लिए नहीं, लोगों की कल्याण के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए। आज रोड जो है मणिपुर, नागालैंड, असम की रोड देखिए, बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश की जो है गलियों की, दिल्ली की एक गली की रोड जो है उनसे अच्छा है। जो नेशनल हाईवे जो बोलते हैं अभी तक चलने के लायक नहीं है। अब 70 साल हो गए नेशनल हाईवे बने हुए, पर अभी भी चलने के गाड़ी नहीं चल सकता, उसमें कोई लोडिंग ट्रक नहीं चल सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम है। हिजम जी, आपने बताया कि नई दिल्ली ने देखने की कोशिश नहीं की उनके उसमें क्या हो रहा है, या मतलब जो जो नेता हैं जी, आपका मानना नेता हैं, नेताओं ने मतलब आपके जो नॉर्थ ईस्ट को जो तवज्जो नहीं दी है, तो उसका क्या कारण है? वो सिर्फ वोट डालने तक या वो अपने सरकार में आने तक ही सीमित रहे? बीजेपी सरकार और जो कांग्रेस सरकार जो सेंटर में जो है उनको काम नहीं करने देते हैं, मेन कारण ये है। प्लस उनकी जो हमारे जो लोगों की हमारे जो पहले पुराने लीडर रहे हैं, जो बीजेपी का और कांग्रेस के, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी तो होते नहीं वहाँ पर, तो उन्होंने जो है लोगों को जो गुमराह किया हुआ है। हिजम जी, आप क्या जब 2019 में जब चुनाव आ रहे हैं, क्या नॉर्थ ईस्ट से आप वहाँ चुनाव लड़वाएंगे अपनी पार्टी से? बिल्कुल 110%। अभी तो मैं नागालैंड की जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें भी हमारे जो पार्टी के MLA खड़े होंगे, उसमें असेंबली में हमारे कैंडिडेट होंगे, उसमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ से और पूरा देश की तरफ से मैं कहता हूं कि बीजेपी तो अगले जो 2019 में जो है उनकी तख्ता पलटने के लिए हम खड़े हैं। और जो मध्य प्रदेश की आने वाला चुनाव है, उसमें भी जो है मामा जी का ढोलक नहीं बजने वाला, ढोलक हम बजाएंगे मामा जी का। लेकिन हिजम जी, जो पार्टी है, आपने बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनहित पार्टी, अभी तो नई नई पार्टी उभरी है, तो आप इनसे के टक्कर कैसे लेंगे? हम साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाते हैं, तो आप कौन सी नीति अपनाएंगे? हम लोगों के पास, जन जन के पास जाएंगे, हम लोगों को समझाएंगे हमारा मोटिव क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब जनता बताएंगे ना, जनता परेशान है बीजेपी और कांग्रेस से, बहुत परेशान है। उनको विकल्प चाहिए था, कोई आए, कोई अच्छे पार्टी आए, कोई ईमानदार लोग आए, उनको जरूर जनता देख रही है। ये तो आप एक बार बाहर निकल करके देखिए, लोग डर के मारे जो है, दो बीजेपी में सिर्फ ए और एम चलता है, ए और एम की वजह से जो है लोग डरते हैं, अपने मुंह नहीं खुलते हैं। ए और एम का क्या मतलब है?
अमित शाह और मोदी जी, अमित शाह यस, उनकी 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 बिना उनकी बीजेपी का जो जो पार्टी चलते नहीं है, लोग मुंह नहीं खोल सकते। आप गुजरात की, आप ये बताइए गुजरात की जो मॉडल बोलते हैं, गुजरात की मॉडल देखें, 2500 रुपये में जो स्कूल के टीचर, ये कोई मॉडल होता है क्या? आप बताइए गुजरात की जो डेवलपमेंट है कहाँ पर है बताइए। आप सिर्फ गुजरात में मुसलमान जो है इसलिए मुँह नहीं खुलता कि वो जो कांड कर किए हुए उसकी वजह से मुँह नहीं खुलते। अभी आज के दिन पर मुसलमान बहुत परेशान है। आप एक देश में रहोगे तो यार आप ये बताइए कि आप एक दूसरे को आंखें तलवार तान करके रहोगे क्या? आप कम से कम हंसी खुशी से रहिए। मुसलमान का भी देश है ये, मुसलमान के जितने हिंदू का देश है उतनी मुसलमान का ये देश है। मुसलमानों ने भी बहुत कुर्बानी दी है देश को आज़ादी देने में, दिलवाने में।